उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते आ रहे हैं। पहले कानपुर कांड, फिर अपहरण और हत्या, उसके बाद गोड़ा में अपहरण केस, अब एटा के सटीक थाने में तैनात एक दरोगा का दलालों से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरोगा मनोज कुमार यादव आरोपी को छोड़ने के मामले में 5,000 की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोतवाली में रह रहे दलालों ने मामला 4,000 में तय कर लिया। अब इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो 10 महीने पुराना बताया जा रहा है। जो तुम्हें अच्छा लगे यार। अरे नहीं, देखो हमारा सिस्टम दूसरा है, हम तो सिस्टम से बहुत दूर रहते हैं इस चीज़ में, पर अब क्या करें, मजबूरी हमारी है। पाँच हज़ार रुपये मर जाएंगे, मजबूर आदमी। चलो मैं सबसे देखता हूँ, डाको में अच्छा लगा क्षेत्र में ही तैनात है मनोज नाम है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? मुझे अभी आने पर पता चला, मैं आगरा से चल के आया, जैसे आया मुझे SSP साहब ने बताया, उसको संज्ञान लेते ही तत्काल उसको निलंबित कर दिया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जो भी उसके वैधानिक कार्रवाई होगी उसकी कार्रवाई की जाएगी।